हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पारेटो चार्ट का मीनिंग, टेबल, डायग्राम और लास्ट में जानेंगे इसके बेनिफिट्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप सभी क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टॉपिक का नाम लिखकर बाय स्टूडेंट नोट्स, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स, पारेटो चार्ट बाय स्टूडेंट नोट्स, स्कैटर डायग्राम बाय स्टूडेंट नोट्स। इस तरह आप कोई भी टॉपिक लिखकर बाय स्टूडेंट नोट्स सर्च करेंगे तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पारेटो चार्ट के मीनिंग से। इटालियन इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन जिनका नाम विल्फ्रेडो पारेटो था, उन्होंने इस पारेटो चार्ट को डेवलप किया था। पारेटो चार्ट एक बार ग्राफ है डेटा का, जो शो करता है कॉज ऑफ डिफेक्ट, कि अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है प्रोसेस या एक्टिविटी में तो उसका रीज़न क्या है, और इसमें डेटा को लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्मॉलेस्ट की ओर नोट किया जाता है। इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी को लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट की ओर हम रिकॉर्ड करते हैं। पारेटो चार्ट हेल्प करता है प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम को जानने में, मतलब जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिन पे हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, और ये फॉलो करता है 80-20 रूल, मतलब 80% जो इफ़ेक्ट होते हैं वो 20% कॉजेज़ की वजह से होते हैं। तो चलिए 80-20 के रूल को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला, 20% ऑफ ड्राइवर्स कॉज 80% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि जो भी गाड़ी रोड पर चल रही है वो हर ड्राइवर रोड एक्सीडेंट करेगा। कुछ केसेस जैसे ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड, तो कुछ ड्राइवर्स ऐसे 20% ही होते हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, 20% ऑफ रोड कॉज 80% ऑफ ट्रैफिक। अब हर रोड पे ट्रैफिक नहीं होता है, कुछ रोड ही ऐसे होते हैं जिन पे ट्रैफिक आमतौर पर देखने को मिलता है, ऐसे एरिया जिस पर लगातार ट्रैफिक रहता है। 20% ऑफ फैक्ट्रीज कॉज 80% ऑफ पोल्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी एरिया के अंदर ऐसी 20% ही फैक्ट्रीज होती हैं जो कि ज़्यादातर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। 20% ऑफ पीपल्स जनरेट 80% ऑफ वेल्थ। तो ये ऑलमोस्ट हमें हर कंट्री में देखने को मिलता है, टोटल पॉपुलेशन का 20% उस कंट्री का वेल्थ होल्ड करती है। 20% ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द रिजल्ट। तो कंपनी में काफ़ी इम्प्लॉयज़ होते हैं लेकिन कुछ ही इम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर कंपनी को डिवोट करते हैं उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए अब देखते हैं पारेटो चार्ट का टेबल। इसमें हमने एग्जांपल लिया है ऑटोमोबाइल कंपनी का, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि प्रोडक्ट में टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब जब भी कोई कार मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसमें किस तरह के डिफेक्ट आते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी बार सेम डिफेक्ट रिपीट होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कार में किसी जगह क्रैक, स्क्रैच, स्ट्रेन, डेंट, गैप, होल, कलर, ये इस तरह के डिफेक्ट आ रहे हैं, और देन हमने फ्रीक्वेंसी ली है कितनी बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे कि डेंट का देखें सबसे बड़ा नंबर है 104। डेंट मतलब खड्डा सा पड़ जाता है, थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है गाड़ी के अंदर उसकी बॉडी पे, तो उसे हम डेंट कहते हैं। तो इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी ली है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या क्या डिफेक्ट आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसा हमने मीनिंग में स्टडी किया था कि जब भी हम पारेटो चार्ट बनाते हैं तो इसमें बार्स के लिए हम जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम डेंट लेंगे, उसके बाद स्क्रैच, देन होल, इस तरह से लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाएंगे हम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसा मैंने कहा, हम अरेंज करेंगे डिफेक्ट के नंबर को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर। तो टेबल में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे जो कि है 42, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 146, देन 20 ऐड करेंगे 166, देन 14 ऐड करेंगे 180, देन 10 190। इसी तरह हम ऐड करते चलेंगे तो हमारी लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 200। देन हमारा नेक्स्ट काम है परसेंटेज कैलकुलेट करना। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, उसे हमें
डिवाइड करना है फ्रिक्वेंसी के टोटल के साथ। तो टोटल हम कर चुके हैं वो है 200, तो 104 जो कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसे हम डिवाइड करेंगे फ्रिक्वेंसी के टोटल से जो कि 200 है, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह इंडिविजुअल बेसिस पे हमें हर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है उसके टोटल के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारी हर एक परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो डेटा में हमारे पास टाइप ऑफ डिफेक्ट और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल थी, वहाँ से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट किया देन परसेंटेज को कैलकुलेट किया। अब हमें बनाना है परेटो चार्ट, तो कुछ इस तरह से ये परेटो चार्ट दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको लाइव बताता हूँ कि कैसे आप इस परेटो चार्ट को बना सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल शीट पर। परेटो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करें। तो वीडियो के दौरान जो टेबल हमने स्टडी किया था उसी टेबल को यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ परेटो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। परेटो चार्ट में आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस सेक्शन को हम डिलीट करेंगे। परेटो चार्ट बनाने के लिए जो टेबल हमें चाहिए वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर है टाइप ऑफ डिफेक्ट, उसकी फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आप सेम रखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट वैल्यू पहले आएगी देन स्मॉलेस्ट बाद में। तो इस तरह से जब आपका टेबल रेडी हो जाएगा तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको इंसर्ट सेक्शन में जाके चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्योंकि इस चार्ट में हमें वाई एक्सिस के साथ एक ऑपोजिट में अनदर एक्सिस भी चाहिए, इसलिए हम जाएंगे कॉम्बो के ऑप्शन में। यहां पर आप देख सकते हैं एक फीचर हमारे पास अवेलेबल है सेकेंडरी एक्सिस का। यहाँ पे आप परसेंटेज में लाइन के बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर टिक करेंगे आप ये देखेंगे यहाँ पर एक और एक्सिस हमारा बन चुका है। तो चलिए मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमारा चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। तो एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि हमारे टाइप ऑफ डिफेक्ट है डेंट, स्क्रैच, होल। तो अगर आप चाहें इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, वो किस तरह, चार्ट में जैसे हमारा ये है वाई एक्सिस, तो इसके आप वैल्यू सिलेक्ट करके नीचे जाएंगे फॉर्मेट एक्सिस पर। तो अगर आप हमारी लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे मैक्सिमम वो है 120, तो यहां पर मैं 120 से इसे करने वाला हूं 100। मैं 100 कर चुका हूं, तो अब मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वहीं जो मेरी सेकेंडरी एक्सिस है अब इसमें भी मैं सेम यही करने वाला हूं, फॉर्मेट एक्सिस पर जाके इसका भी मैं मैक्सिमम वैल्यू 100 लेने वाला हूं। तो ये अब मेरा डाटा थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे रहा है। टॉप पर आप चार्ट को टाइटल दे सकते हैं कि ये चार्ट एक्चुअल में है किसके बारे में। तो ये है हमारा परेटो चार्ट। इसके साथ आप होम पर जाके इसके टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं। तो यहां पर इसे मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं और इसके साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा परेटो चार्ट प्रिपेयर हो गया। टाइटल के बाद अगर मैं चाहूं तो मेरी बार्स और लाइन का कलर चेंज कर सकता हूं। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हमने अपनी बार्स को सिलेक्ट कर लिया, अब होम पर जाकर मैं यहां से कलर सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये कलर यहां पे फिल हो जाएगा। जैसे चलिए मैं येलो कलर फिल करता हूं, ये देखिए हमारा येलो कलर फिल हो गया। दूसरा तरीका है मैं इसे अनसिलेक्ट कर देता हूं और फिर से सिलेक्ट करता हूं, और यहां पर मेरे पास ऑप्शन है फॉर्मेट का। तो अगर मैं इस पे जाता हूं तो राइट साइड में मेरे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे मुझे। यहाँ पे फिल एंड लाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं कलर फिल कर सकता हूँ साथ में। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये देखिए ये कलर है ग्रीन, लाइट ग्रीन का, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे लाइन का कलर चेंज करना है तो सेम मैं लाइन पे क्लिक करूंगा एंड होम पेज पे जाके मैं यहाँ से सेम चेंज कर सकता हूँ कलर को, या फिर अगेन जैसे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन है फिल एंड लाइन का, और यहाँ से मैं ऐसे कलर को चेंज कर सकता हूँ जैसे ये देखिए। तो इस तरह से जो भी आपको इफेक्टिव मैनर लगे उस तरह से आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सारा हमारा प्रोसेस था परेटो चार्ट प्रिपेयर करने का। तो ब्लास्ट में जानते हैं परेटो चार्ट के बेनिफिट्स। परेटो चार्ट हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को डिवाइड करने में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इससे हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो बार बार अक्कर हो रही हैं। सेकेंड है हेल्प करता है प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। तो ऐसी प्रॉब्लम जिन पे हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है उनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। हेल्प करता है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को
फाइंड आउट करने में। अब क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को स्टोर कर रहे हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आसानी से हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हेल्प करता है ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में जिन्हें हमें सबसे पहले टारगेट करना है, मतलब जिन्हें हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये हमारी प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हमें फोकस करना है, देखना है कि किस वजह से, रीज़न क्या है इस प्रॉब्लम का और कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।